दिल्ली की शाहिदगाह के पास लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इस बीच सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है, बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली की शाहिदगाह के पास लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देखिए, एक तो आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, और इस बीच शाहिदगाह के पास लोगों की भीड़, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात है। एक मोबाइल संदेश वायरल हो रहा है जिसकी वजह से अफवाह फैली है, और इस संदेश के तहत शाम 4 बजे ईदगाह पहुंचने की बात कही जा रही है। इस संदेश के वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में लोग शाहिदगाह के पास इकट्ठा हो रहे हैं, और वही देखिए सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कमर कस ली है, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है। एक मोबाइल संदेश लगातार वायरल हो रहा है, और इस संदेश के तहत कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो शाहिदगाह पर, और देखिए इसी संदेश के तहत लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। इन सबके बीच ये भी समझने वाली बात होगी कि आज जो शुक्रवार का दिन है और जुमे की नमाज अदा होती है, इस बीच ये वायरल संदेश, ऐसे में पुलिस ने कमर कस ली है, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, माहौल ना खराब हो, अमन चैन ना खराब हो, इसीलिए पुलिस भी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर पहुंच गए, तैनात हो गए। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मोबाइल संदेश के हालांकि हकीकत क्या है जो कि लगातार वायरल हो रहा है। आज सुबह एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें इस तरीके का मैसेज दिया गया था कि शाम के 4 बजे ईदगाह पे पहुंचना है, और वहाँ पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ईदगाह के साथ कुछ गलत हो रहा है इस तरीके का। ये मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ही कुछ लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए बोला गया था। इस पे प्रॉपर पुलिस फोर्स लगाई गई थी, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया गया था। ईदगाह पे शाम की नमाज के दौरान थोड़ा वहाँ पे काफ़ी डिप्लॉयमेंट था, एंड साथ ही साथ गैदरिंग भी हो गई थी। खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौरिया जुड़ चुकी है। कंचन, ये जो वायरल संदेश लगातार सर्कुलेट हो रहा है, इसके बाद जिस तरह से लोग पहुंच भी रहे हैं, क्या हकीकत है संदेश की? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं शाही ईदगाह पार्क, जहां पर मेरे ठीक पीछे वो जगह है जहां पर रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी थी। आपको दिखा दें अपने सीधे हाथ की तरफ, तो यहां पे भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती भी की गई है। आरएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। ठीक इस पार्क के सामने यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पर जो है एक ईदगाह मस्जिद है, और वहाँ पर जुमे की नमाज आज शुक्रवार है तो वो अदा की जा रही है, और लोग यहाँ पे भारी मात्रा में ना एकत्र हो जाए और किसी तरह की कोई दुर्घटना को अंजाम ना दिया जा सके, उसको लेके ये पुलिस की तैनाती की गई। आपको दिखा दिया जो लोहे गड़े हुए, ठीक यहाँ पर झांसी की रानी की मूर्ति जो है वो गोल चक्कर से हटा के, जो गोल चक्कर है यहाँ से ठीक 250 से 300 मीटर दूर है, वहाँ से हटा के यहाँ पे स्थित किया जाना है। उनके साथ 2 मूर्तियाँ और लगनी है, लेकिन आज जो है MCD के जूनियर इंजीनियर ने यहाँ पे ये काम रुकवा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये ऑर्डर था, DDA द्वारा किया जा रहा था, MCD के जो लोग थे वो कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सडनली MCD के जूनियर इंजीनियर आते हैं और यहाँ पे काम रुकवा देते हैं। तो देखिए इस पर किस, आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जो अब अगली सुनवाई है वो 1 अक्टूबर को होनी है, और जिस तरीके से राजनीतिक इस पर गरमाने लगी है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस पर अब करने लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब कहा, मैसेज वायरल हो रहा है, लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, लोग पहुंच भी रहे हैं, इस मैसेज के पीछे का आखिर वो संदेश क्या था जो कोड वर्ड के तहत दिया जाने की कोशिश कर रही की जा रही थी? जब लोग यहाँ एकत्रित होते इसके बाद की व्यवस्था किस तरीके की वहां पर थी, कि क्या होने वाला था, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो शाही ईदगाह कमेटी है उसका कहना था ये जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है ये ज़मीन DDA की लैंड है, और इस पर जो है झांसी की रानी वो स्वतंत्रता सेनानी है, देश की जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी है, और उनके को लेकर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ तौर से दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था
कि जो शाही ईदगाह कमेटी है वो माफीनामा मांगे, उसके बाद हम आगे कोई भी सुनवाई करेंगे। तो जिस प्रकार से कल यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए तो पुलिस यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात हुई, और उसी की सुरक्षा को देखते हुए कि यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो, शुक्रवार है, जुमे की नमाज यहाँ पे अदा होनी है शाही ईदगाह में, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके, लोग शांतिपूर्वक अपनी जो है नमाज अदा करके अपने घर जाए, किसी भी तरीके की भीड़ यहाँ पे एकत्र ना हो सके, उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं।